अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको कीमा करेले बनाना सिखाएंगे। कीमा करेले बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें हमारे पास सबसे पहले कीमा ले लेंगे हम, हाफ के जी, 1 kg करेले ले लेंगे। इनको हमने अंदर से इसके बीज निकाल देने हैं, ऐसे क्लीन कर देना है इसे, देखें। और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। चाहें तो आप इसमें फिलिंग भी कर सकते हैं। अनियन लेंगे 3 to 4 मीडियम साइज़, टोमेटो 3 मीडियम साइज़, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन के जगह 12 से 10 से 12 अदद, ग्रीन चिलीज 7 to 8, धनिया हमें चाहिए फॉर गार्निशिंग 3 to 4 टेबलस्पून बन जाएगा ये। इसके अलावा जो स्पाइसेस हैं उनमें रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, अब हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक बर्तन में हमने कीमा ऐड कर लेना है। उसमें प्याज ऐड कर देनी है काट के, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे सारे। स्पाइसेस में हमारे पास सॉल्ट, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ये ऐड करेंगे इसमें। ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे इसमें काट कर बारीक बारीक, और इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करके हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। कवर करके हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा कीमा अच्छे से गल गया है। इसमें हमने ऑयल ऐड करना है, 1/2 कप ऑयल। और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है हमने। करेले हमारे पास 1 kg मौजूद हैं। इनको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है सॉल्ट लगाकर, और फिर सॉल्ट लगाकर इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और बाद में पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर लेना है अच्छे से, और इसको बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेना है, और इसकी फ्राइंग कर लेनी है। फ्राई कर लेने हैं ये करेले हमने। करेलों को हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है और 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। हाफ कप ऑयल ऐड करके हमने कीमे की अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें करेले ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किए हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे, और ये हमारे कीमा करेले रेडी हो जाएंगे। इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे और इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये देखें व्यूवर्स, कीमा करेले हमारे रेडी हो गए हैं और हमने इसकी गार्निशिंग कर दी है धनिया से।
आपने इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके।